तो बात करें कंगना के बुज्जू प्रोमो की तो इसमें कुछ हिडन डिटेल्स दिखाई गई है और साथ ही में फिल्म क्या होगी इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब सबसे पहले बात, जब फिल्म का पोस्टर आया था, जो फिल्म का टीजर आया था, तब मैंने सोचा था कि ये मूवी एक सीरियस टोन लेकर चलेगी, मतलब पूरी ड्यून जैसी। और जाहिर सी बात है पूरा कंपैरिजन भी चल रहा था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे दो मूवीज डिफरेंट है। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर देखोगे तो वो पूरी तरह सीरियस नहीं है, वो थोड़ा गुफी है, यानी हंसी मजाक वाला कैरेक्टर कह लो। बेसिकली मैंने सोचा था कि बैटमैन जैसा कैरेक्टर होगा, और जो डिवाइस देखने को मिला है बुज्जी उसमें और प्रभास में बैटमैन और आल्फ्रेड जैसा रिश्ता होगा। लेकिन मूवी देखोगे तो बुज्जी एक शरारत बच्चे की तरह बिहेव करता है। और बेसिकली जो सिनेमेटोग्राफी पे मैंने सोची थी वो मैंने सोचा था थोड़ी डार्किश होगी, प्रशांत नील की टाइप के लो, लेकिन सिनेमेटोग्राफी पे देखोगे तो थोड़ी वाइब्रेंस लग रही है। तो ये बेसिकली कैरेक्टर के बारे में यही बताता है कि जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है, पोस्ट अपोकैलिप्स वर्ल्ड है, जिसमें हम सब लोग सैड दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, उनके अंदर का इंसान मर चुका है, उसमें वो प्रभास के अंदर का जो इंसान है वो अभी भी बचा हुआ है, मतलब वो खुश है, एंजॉय कर रहा है, और अभी तक तो प्रभास ही इन सब की उम्मीद है। बेसिकली वो कल के तो नहीं है, अभी कल क्या होता है ये कन्फर्म ही मान लो। हाँ, लेकिन काली डेमन कमल हसन जी जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ। अब मुझे इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो इसकी खबर आई थी कि इसमें काक भूषण डी भी देख सकते हैं, काक भूषण डी जी कौन है उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए है। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, हिंदुइज्म में उनको टाइम ट्रेवलर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 11 बार रामायण देखी इसकी वजह से। तो बेसिकली हिंदुइज्म के इतने बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स के लोग वो हमें देखने वाले थे, ऐसे रूमर्स थी। तो ये कह लो बेसिकली मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। और इससे पहले जितनी भी मूवीज थी हम सब देखने गए थे प्रभास के नाम पर, लेकिन ये पहली मूवी होगी जिसे मैं देखने जाऊंगा सिर्फ कंटेंट के लिए। मतलब नाग अश्विन जी का विजन दिख रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और साथ ही में जिस तरह उन्होंने पहले 4 एपिसोड निकाला वो रीलोड भी निकालने की बात कर रहे हैं, तो कुछ एपिक होने वाला है ऐसा तो लग रहा है। और हवा जैसे मैंने कहा था इसका कंपैरिजन हो रहा है ड्यून मूवी के साथ, अब स्टार वॉर्स मूवी के साथ भी इसका कंपैरिजन हो रहा है। तो बेसिकली ये कह लो जो बुज्जी ये सब भी कैरेक्टर्स है, एक तरह से ट्रिब्यूट भी कह लो इन मूवीज को, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जैसे प्ले था रोमियो जूलियट, जिसने बॉलीवुड से लेकर पूरे वर्ल्ड सिनेमा को इन्फ्लुएंस किया, उससे इंस्पायर होके वर्ल्ड सिनेमा में अपने अपने एडेप्टेशन चलते रहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। जो अभी रिसेंटली ऑलरेड में कंट्रोवर्सी है टॉम हॉलैंड को लेकर, जूलियट की जगह ब्लैक एक्ट्रेस कास्ट किया है, तो वो भी चेकआउट कर लो। तो उसी तरह स्टार वॉर्स इन सबसे इंस्पिरेशन लेकर भी वर्ल्ड सिनेमा में अपने अपने एडेप्टेशन बनते रहते हैं, और यहाँ पर तो पूरा नया कॉन्सेप्ट है, उसमें कह लो ट्रिब्यूट भी दिया होगा। और ऐसा इसलिए नहीं करते फिल्म मेकर कि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ छापना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यही चीज़ें उनको मोटिवेट करती है इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कभी मूवी बनाऊँ तो मैं बैटमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं बैटमैन की मूवीज को ट्रिब्यूट दे सकता हूँ। तो फिर से आए कल्कि के ऊपर। अब इसके दो चीजें मैंने, जब भी इंडिया में हॉलीवुड लेवल प्रोजेक्ट बनाने की बात होती है तो इससे पहले सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी और परफॉर्मेंस, इन तीन चीजों पर काम किया जाता था। दो चीजें और थी इसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक और CGI। अब KGF में देखोगे सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया था, तो उसने छप्पर फाड़ कमाई की। अब यहाँ पर यही है, मैंने जब इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुना था तो हॉलीवुड लेवल एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक था इसका, और वही है इसका CGI भी एपिक का। लेकर आदि पुरुष के वीडियो में मैंने कहा था कि पूरी की पूरी CGI मूवी बनाना ये इम्पॉसिबल था, अगर उसकी जगह ये प्रोस्थेटिक यूज करते और उसके ऊपर CGI करते तो मैं गारंटी देता हूँ वो मूवी कुछ और होती, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ले लो या फिर हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, वो आज भी यही प्रोसेस अपनाते जिससे रियलिज्म आए मूवी में, और यही नाग अश्विन जी ने भी किया है। उन्होंने वो कार टाइप वैसे बनाई, वो बुज्जी मशीन उन्होंने वैसा बनाया जिससे चीजें रियलिस्टिक लगती है लिटरली। मतलब ये कह लो कि प्रोजेक्ट को अच्छा खासा टाइम दिए गए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट भी आ रहा था उसे बीच में मिड जर्नी कई सारे AI टूल्स भी आए, तो नाग अश्विन जी ने ये भी कहा था कि हम इसका भी यूज करेंगे। तो बेसिकली मूवी को लेकर मेरे मन में तो कोई शंका नहीं कि ये मूवी कितने एपिक होने वाली है। बाकी इसके ऊपर मैंने पहले भी ब्रेकडाउन किए थे, और कुछ हद तक सोच लो स्टोरी वही चल रही है उस ब्रेकडाउन में जो मैंने बताई थी। तो इस ग्लिम्स के ऊपर भी अगर आपको ब्रेकडाउन चाहिए तो अगर 1000 के लाइक्स आते हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर ब्रेकडाउन बनाऊंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।